नियम बने हैं, उस नियमों में रहकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसको जानने की ओर हम अपना प्रयास करते हैं। उसके लिए हम ये अपना अपना जो हमने अपने सेशन आरंभ किए हैं, ये उसके लिए एक प्रयास है। तो एक मिनट। क्या ऑडियो बंद हो गया लोकेश जी आपका? कालिदास जी हाँ आप भीड़? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं यही कह रहा हूँ, स्पॉटलाइट में आप अपना अपना पिक्चर को ही रखिए, है ना जी। आपको तो हम स्पॉटलाइट कर देना क्या? नहीं, अपनी पिक्चर को स्पॉटलाइट में रखिए, आनंद योग लाइफ वाली को। किसी और की वीडियो आती है सामने तो थोड़ा डिस्टरबेंस भी होता है, उनका ही बार नहीं तो बार आपकी सामने आता स्पॉटलाइट रहता कर है। देता हूँ ना दादा। जी, तो हम एक ओम का उच्चारण करते हैं और ओम के उच्चारण के साथ में अपने सत्र को आरंभ करते हैं। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर सत्र को आरंभ करेंगे। हमें रक्तचाप, हृदय रोग के बारे में जानने से पहले कुछ बातें थोड़ा सा जानना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से हमें आवश्यकता होती है कुछ नियमों को, सिद्धांतों को जानने की। यदि हम कुछ चीजों को नहीं जानेंगे, किसी प्रकार से अपनी जीवन शैली को उस प्रकार एक नियम में रहकर नियमित नहीं करेंगे, तो हम इस संसार में जितने भी हम मनुष्य हैं, वह किसी न किसी एक अनुशासन में या किसी न किसी एक ज्ञान के आधार पर ही कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से और अज्ञान, यदि हम उचित अनुकूलता के लिए जो हमें पहले से प्रयोग हो चुके हैं, जिनके माध्यम से जो लोग सुखी होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि उन नियमों को हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, या जो आप पुरुषों ने जो बातें कही हैं उनको हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आने वाले दूरगामी परिणाम हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, और जो सृष्टि का नियम है उससे हम अज्ञान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन एक सामूहिक विचारधारा का परिणाम है। तो जो मुख्य रूप से जो ज्ञान है, वो हमारी एक धन है, हमारी एक धरोहर है, उसी के आधार पर उसको समझकर हम अपनी पूरी मानव सभ्यता को अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विकास हो, उस तरफ हम ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कोई डिग्री बहुत बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सामान्य हमारी शिक्षा का यह एक विषय होना चाहिए, जो नहीं होने के कारण हम लोग ये बहुत सारे लोग इस तरह से सेवा कार्य करते हैं कि सब लोग इस जागरूक हों और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो हम आरंभ करते हैं हृदय रोग के ऊपर। हृदय रोग पहले इसके लक्षण समझते हैं, फिर इसके कारण पर चर्चा करेंगे। तो हृदय रोग कि क्या लक्षण है, क्या इसमें महसूस होता है, आप सामान्य दृष्टिकोण में जो आता है वह क्या है, वह आप देखेंगे कि व्यक्ति को थोड़ा सा दर्द महसूस होगा छाती की तरफ, जहाँ पे हृदय है उसके आसपास, और उसको थोड़ा सा भारी भारीपन सा महसूस होगा, घबराहट महसूस होगी, और सांस लेने में भी परेशानी होगी, मतलब
बहुत सारे मिश्रित प्रभाव होते हैं इसमें, जैसे गैस का प्रभाव है और अस्थमा का प्रभाव है, तो वो सब सम्मिलित होते हैं इसमें, मतलब पहचानना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए व्यक्ति यदि सांस गैस की परेशानी भी होती है तो भी उसको लगता है कि मुझे हो सकता है, क्योंकि वो मिश्रित होता है। गैस की परेशानी होने में भी हार्ट अटैक आ जाता है, और वैसा ही पेन होता है और घबराहट बेचैनी होती है उसमें भी अटैक आ जाता है। तो कैसी भी बेचैनी हो और उस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और हार्ट बीट थोड़ा तेज होने लगे, यह भी एक कारण होता है, और सांस लेने में भी कष्ट हो, और हाथ पैरों की बेचैनी, कम कपाहट, और जैसे रक्तचाप में होता है, वह अधिक रक्तचाप या निम्न रक्तचाप भी हृदय की ही एक परेशानी है। तो वह जो परेशानी उसमें महसूस होती है वह भी हृदय रोग का ही एक भाग है। तो हम समझते हैं ये कुछ सामान्य हमें चीजें महसूस होती हैं, इसलिए इसमें हमें इसके कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके कुछ और सामान्य हम लक्षण आयुर्वेद के दृष्टिकोण से प्रयास करते हैं जानने का, कि इसमें वातज हृदय रोग की को अलग अलग विभागों में आयुर्वेद में बांटा गया है। जैसे वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, और सन्निपातज और क्रमिज हृदय रोग। इसमें हम वातज के बारे में समझते हैं कि इस हृदय रोग में सारे हृदय में पूरे क्षेत्र में पीड़ा होती है, सुई चुभने के समान, और जैसे कोई चीर रहा हो, इस प्रकार कोई किसी शस्त्र से चुभो रहा हो कस के, तो इस प्रकार की पीड़ा वातज हृदय रोग में महसूस होती है। चुभने जैसी पीड़ा इसमें महसूस होती है, वातज का मुख्य लक्षण ये है, ये हमें समझना चाहिए। थोड़ा भी सूल होता है तो वो किस प्रकार का सूल है, तो उसका निदान करने में आसानी होगी। पित्तज में क्या होता है कि प्यास लगेगी उस परेशानी होने में, जलन सी महसूस होगी, और मतलब जैसे कि कुछ कंठ में, गले में धुआं धुआं सा, घुटन घुटन सी, इस प्रकार का महसूस होगा, और मूर्छा सी अनुभव होगा, थोड़ा शरीर शिथिल सा होगा एकदम, पसीना की आने की संभावना रहेगी, और मुख सूखता है। इसमें जो पित्त के लक्षण है वो इसमें लक्षण प्रबल रहते हैं। और इसमें कफज जो हृदय रोग है उसमें भारीपन रहेगा, कफ निकलेगा। जब देखिए दर्द होगा, दर्द होने के साथ साथ में ये अवस्थाएं भी होंगी, तो हृदय की जकड़न होगी और भूख कम लगेगी, इच्छा नहीं करेगी, और बाई तरफ दर्द दर्द सा महसूस होता रहेगा, और मुंह मीठा मीठा सा महसूस होगा। तो ये अवस्थाएं होती हैं जिनमें हमें सचेत रहना चाहिए, और इन लक्षणों को ये एक संकेत है। इस संकेत को समझ के हमें और ज्यादा अगर हम जानना चाहते हैं तो हम नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि कफज हृदय रोग में क्या होता है, या पित्त हृदय रोग में क्या लक्षण है, और ज्यादा डीप जान सकते हैं, या वैद्य से भी संपर्क कर सकते हैं कि इसकी विस्तृत कौन सा हमें परेशानी है, या आप स्वतः चिकित्सा कर रहे हैं या स्वतः जानना चाहते हैं इस विषय पर, तो उसको और नेट पर खोज सकते हैं कि अलग अलग दोष के हिसाब से, वात पित्त कफ के हिसाब से जो लक्षण महसूस होते हैं वो क्या क्या हैं, तो पूरी और आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो वैसे ही निदान होगा। सन्निपातज यानी कि त्रिदोषज हृदय रोग के लक्षण होते हैं, जो तीनों के लक्षण मिले हुए होते हैं उसमें। और क्रमिज हृदय रोग भी एक वर्णन आता है इसमें, कि जो क्रमी यानी कि कुछ जंतुग्न जीवाणु जो होते हैं, जो रोगाणु, वो उनके माध्यम से किस प्रकार ये हृदय रोग फैलता है इसमें, जैसे तिल गुड़ और इत्यादि जो इसमें कृमिजनक यानी कि कृमि पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, यदि उनको खाया पिया जाता है तो भी एक गांठ सी पैदा हो जाती है, और उस गांठ में से क्लेद और रस निकलता है, और उस
रस से कीड़े पैदा हो जाते हैं, यानी कि कृमि पैदा हो जाते हैं। कृमि का मतलब एक रोगाणु छोटे छोटे पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीव जो शरीर में जैसे ऐसा महसूस होता है उस अवस्था में नोचने की जैसी पीड़ा और खुजली महसूस होती है, छाती में तेज दर्द, सुई चुभने जैसी पीड़ा, आंखों में अंधेरा आना, अरुचि होना, दोनों आंखों के सामने काला होना और आंखों की काला होना और उन पर सूजन चढ़ जाना आंखों पर, इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये हृदय रोग का हमने थोड़ा सा और समझा, और इसमें जो और ज्यादा अगर हम समझना चाहें तो जैसे कृमि रोग में क्या होता है, कृमि हृदय रोग में ग्लानि हमें महसूस होगी, देह का मतलब जैसे भ्रम और शोष की उत्पत्ति होगी इसमें, तो ये हमें मुख्य रूप से समझ में आता है। प्यास लगती है, मतलब मिश्रित लक्षण भी रहते हैं, तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। आगे हमारे हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसके जाने से पहले हमें इसके कारण समझने होंगे कि ये क्यों होता है हृदय रोग। हृदय एक इस प्रकार की जैसी संरचना है कि जो क्या करती है, खून को अलग अलग विभागों में बांटती है। जो लंग्स से शुद्ध खून आता है और शरीर से जो अशुद्ध खून आता है, उस शुद्ध खून को सही जगह सेल्स के पास पहुंचाती है, अशुद्ध खून को फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद फिर वो फिल्टर होके फिर हमारे पास शुद्ध आता है और फिर हमारे जो हमारी सेल्स हैं उनके पास पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये एक मीडिएटर का काम करता है हृदय। इसके अंदर चार वाल्व होते हैं, तो वो उस उनके माध्यम से ये पूरा सिस्टम बना रहता है, दो ऊपर और दो नीचे। अब ये क्या है कि इसके अंदर कुछ नसें होती हैं जिसमें हृदय को भी रक्त मिलता है, तो उससे इसको ताकत मिलती है। और यदि हमारी हमारा शरीर में रक्त में और हमारी दिनचर्या में, दिनचर्या हमारी सही है तो रक्त में अम्ल की मात्रा कम होती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का सबसे जो सुंदर इसमें एक बिंदु है जो सामान्यतः एक कॉमन रहता है, लेकिन वो सभी बीमारी के लिए एक आधारभूत काम करता है। जैसे उन्होंने बोला है, यदि रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त तो सारे जो अंग हैं उनके लिए उसको फिल्टर करने की आवश्यकता होती है और वह अतिरिक्त परिश्रम करते हैं उसको फिल्टर करने में, तो वो सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। सारे अंग कमजोर होने की वजह से जो हमारे हृदय और मस्तिष्क जैसे अंग हैं, जो एक जिनको दूसरे अंगों से पोषण मिलता है, वो उनको भी पर्याप्त मात्रा में रक्त और शुद्ध रक्त नहीं मिलता, तो वो भी प्रभावित होते हैं, तो उनको भी वो भी कमजोर होते हैं। तो इस वजह से हमारे अम्ल में, रक्त में अम्ल की मात्रा ना बढ़े, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। मतलब एक मात्रा में हमें, एक सब लाइन में हमें अगर समझना है स्वास्थ्य को, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे रक्त में अम्ल की मात्रा ना बढ़े। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, कब्ज ना हो, दिनचर्या अच्छी रहे, अजीर्ण ना हो, तो एसिडिटी ना हो आदि, मतलब बहुत सारी चीजें हमें करनी है उसके लिए। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो और हम कारणों पे एक क्रम से आगे बढ़ते हैं और उसमें और कारण भी शामिल हो जाएंगे। जैसे प्रथम कारण है कि हमें बहुत ज्यादा पेट भर के जो लोग खाना खाते हैं, उस समय क्या होता है कि पेट के लिए उसको अधिक परिणाम में रक्त संचालन की आवश्यकता होती है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए। और इस वजह से क्या है कि रक्त को चलाने के लिए हृदय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप यह दुर्बल हो जाता है। प्रमुख बात यह समझनी है कि हम जैसे शादियों में जाते हैं या कहीं पे कोई अच्छा हमने खाना खा लिया और हमें फिर
खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा मतलब पेट भर गया हमारा, फिर उसके बाद भी कोई मीठी चीज हमने देख ली, और उसके बाद भी किसी ने कहा खा लो थोड़ा सा और खा लो, तो अरे कुछ नहीं होता थोड़ा सा खाने पर, तो बहुत सारा लोग जबरदस्ती करते हैं इस प्रकार की चीजें। और घर में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ स्वादिष्ट चीज होती है तो थोड़ा सा खा लेते हैं एक्स्ट्रा। तो मतलब आपको पेट भरने के बाद बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, क्योंकि आयुर्वेद का नियम है कि एक आपको आधा भाग भोजन से भरना है और एक तिहाई भाग आपको जल और वायु के लिए, एक एक तिहाई भाग जल और वायु के लिए छोड़ना है। तो इस प्रकार हम अपने पेट को थोड़ा खाली रखते हैं तो हल्का हल्का सा हमें भूख सी रहेगी, तो उस अवस्था में कुछ सुस्वादु चीज या लवण भास्कर या फिर कुछ सेंधा नमक या कोई ऐसी चीज चाट सकते हैं जिससे कि मन को तृप्ति हो जाए। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी जो हमारे पेट पर बल पैदा करें, तो वो अतिरिक्त खून हमारे पेट में जाएगा और अतिरिक्त रक्त जाने से हमारा हृदय कमजोर होगा। पहला हमें यह मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये एक सिंपल सी चीज है लेकिन अधिकतर गलती करते हैं लोग। शादियों में जाते हैं, खूब खाते हैं और खूब गरिष्ठ चीजें भी खाते हैं, और बिल्कुल भी शादियों में तो खैर ध्यान ही नहीं देते, बहुत ही ज्यादा विरुद्ध आहार का सेवन किया जाता है। तो और खड़े होके भोजन करना और चल चल के भोजन करना, ये सब चीजें भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, क्योंकि रक्त का प्रवाह उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। वो अगला पॉइंट आगे के पॉइंटों में है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीजें हम गड़बड़ियां करते हैं। दूसरा बिंदु है, जैसे आप देखेंगे 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद जो लोग लोभवश अधिक आमिष खाद्य पदार्थ, यानी कि आमिष खाद्य पदार्थ मतलब गरिष्ठ खाद्य पदार्थ, गरिष्ठ में मांस मदिरा अंडा यही नहीं आता, जो ज्यादा वसा युक्त है, अतिरिक्त वसा युक्त है, अतिरिक्त चर्बी युक्त है, पचने में भारी है, समोसा बेड़ई कचौड़ी भारी भारी चीजें हैं, तो जो शर्करा जाती हैं, मतलब जिनके अंदर अनाज की मात्रा ज्यादा है और उसको भी तला गया है गरिष्ठ तरीके से, गलत तरीके के तेलों के माध्यम से, रिफाइंड के माध्यम से और वनस्पति तेलों के माध्यम से और भैंस के घी आदि के उसमें, भैंस जर्सी, तो ज्यादा जिसमें फैट है और वो फैट को पचाने के लिए हमारी इतनी कार्य शैली नहीं है। तो उस प्रकार की यदि हम 35 या 40 वर्ष के बाद लोग धीरे धीरे उसका आदत डाल के रखते हैं तो वह भी हृदय रोग के शिकार होने लगते हैं। और इसमें इस आमिष खाद्य पदार्थ से, गरिष्ठ खाद्य पदार्थ को खाने से रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। उस रक्त को दोष मुक्त करने के लिए हृदय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इससे रक्त में अम्ल बढ़ जाने के कारण भीतरी उसका यंत्र जो है वह दुर्बल हो जाता है और वह हृदय जो हमारा है उसको दुर्बल और कमजोर होने की प्रत्यक्ष और ये परोक्ष कारण है। तो ये हमें समझना है कि किस प्रकार हमें अपने हृदय को ध्यान रखना है कि हमारे रक्त में अम्ल का भाग जो भर रहा है उसमें एक बिंदु ये है कि हम गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है अधिक तेल या चर्बी वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो हम सेवन करते हैं। एक मिनट, जी, इसमें मुख्य रूप से जो अतिरिक्त तेल वाले और जिसमें अतिरिक्त वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको सेवन करते हैं, और आजकल की जीवन शैली में परिश्रम इस प्रकार का नहीं है जो, और तनाव भी ज्यादा है, मानसिक कार्य ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, असुरक्षा का भाव है, इन सब की वजह से
जो हमें हमारे इस प्रकार का भोजन सेवन करने से हमारी तंत्रिकाएं, हमारे स्नायु पुंज, हमारी नस नाड़ियां वसायुक्त हो जाती हैं, और उससे क्या है कि हमारे हृदय को काम करना थोड़ा कठिन होता है, उसके दुर्बल वह दुर्बल हो जाता है, और उस नस नाड़ियों के बीच में जो वसा जमती है उसकी वजह से रक्त का संचालन करने में भी बाधा पहुंचती है। और इसको ठीक रूप से चलाने के लिए हृदय को काफी कार्य करना पड़ता है, और जिसके फलस्वरूप वह दुर्बल होता है। मुख्य रूप से हमें ये जो कारण समझने हैं बहुत सामान्य सामान्य से कारण हैं, लेकिन ये गलतियां हम करते हैं, तो इन चीजों को हमें समझना होगा। यकृत की दुर्बलता के फलस्वरूप भी जो हमारा शरीर है उसकी और हमारी नस नाड़ियां वो कमजोर होती हैं, और वहां पे चर्बी का संचय होता है, यानी कि वसा का संचय होता है, और इस वजह से भी हमारा हृदय कमजोर होता है। और उस अवस्था में एक देखा जाता है कि जो पेचिस की समस्या है, डिसेंट्री की समस्या है, ऐसे रोगियों को देखने को मिलती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि यकृत कैसे हमारा अच्छा रहे, तो इस सब के लिए हमें अपनी जीवन शैली, आहार विहार समय पर हमें बिल्कुल लेने की कोशिश करना है, और इसमें एक्यूप्रेशर भी जो है वो बहुत अच्छा योगदान करता है कि हम अपने नियमित समय पर यदि हम एक्यूप्रेशर अपने आप करते रहते हैं तो वह ऊर्जा हमारे अंगों को मिलती रहती है, जिससे कि रक्त की वजह से, रक्त में अम्ल होने की वजह से जो कमजोरी आई है वो सही होगी। लेकिन एक्यूप्रेशर का दुरुपयोग करते हैं लोग, वो हमने, हाँ जी, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं उससे हम उससे हमें उसको करते हुए हमें आहार विहार अपना सही रखना है, अन्यथा हमारा आहार विहार गलत होने से जो हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं उसको भी हम वो करेंगे, मतलब उसकी भी निंदा होगी, क्योंकि उससे कुछ समय तक हमें आराम मिलेगा, फिर आगे आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें आहार विहार अपना पूरा सही रखना है, तभी वो जो शक्ति बढ़ाने का काम हमें एक्यूप्रेशर से मिलता है और प्राकृतिक विधियों से मिलता है वो लाभकारी होगा। आगे का जो इसमें बिंदु है वो है कि थोड़ा सा भूख रहती है और भूख नहीं रहती है, तो उस अवस्था में भी खाद्य ग्रहण किया जाता है। जैसे मान लीजिए भूख नहीं है, कुछ स्वादिष्ट चीज दिख गई कहीं पर, तो वो हमने सेवन कर ली, वह सही नहीं है शरीर के लिए। और कम भूख है, उस अवस्था में भी हमने कुछ स्वादिष्ट चीज का सेवन किया, वो क्या होता है, लोग कहते हैं अरे कि भूख नहीं है तो कैसे हम सेवन कर लेंगे। क्या होता है कि यदि आपने कुछ स्वादिष्ट चीज खाया तो पेट रस छोड़ने लगता है जबरदस्ती, तो वो जो जबरदस्ती कुछ पाचक रस छोड़ता है क्योंकि आपके शरीर में गया है, वो प्रॉपर नहीं छोड़ेगा, एक तो अजीर्ण भी होगी आपको, लेकिन वो थोड़ा सा छोड़ेगा क्योंकि मुंह में कुछ एंजाइम का सीक्रेशन होने लगेगा, और तो उनकी एक्टिविटी से पाचक रस का स्राव होगा। तो इसलिए हमारा जो उसे असमय जो काम करना पड़ा है उस वजह काम करने की वजह से भी हमारा पूरा जो ग्रंथि समूह है वो दुर्बल होता है और रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ती है, तो ये कार्य हमको नहीं करना है। हमें कम भूख लगने पर, जब अच्छे से भूख लगे, आयुर्वेद का सिद्धांत है एक भोजन पच जाए उसके बाद जब हम दूसरा भोजन करने जा रहे हैं तो अच्छे से भूख लगे तभी हमें उसका सेवन करना चाहिए, और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे और अधिक मात्रा में यदि हम खाद्य ग्रहण ज्यादा करेंगे तो उस अवस्था में भी क्या होता है कि जो हमारा पाकस्थली है यानी कि पेट है उसका आकार बढ़ता है, तो हमारे हृदय पर दबाव पड़ने लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं अतिरिक्त, तो एक्सरसाइज करना भी
समाधान नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, यदि आपने खान पान के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं खान पान के नियम है, केवल औषधि लेने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए पूरी एक आहार विहार की पद्धति को समझना आवश्यक है जी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी नहीं खाना है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते हैं और वह नाश्ता सही समय पर नहीं कर रहे हैं, जो जैविक घड़ी का समय है, और फिर वह दोपहर में या रात के समय में अधिक भोजन करते हैं, तो दिन प्रतिदिन इस तरह की एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट में बात करता हूँ, एक मिनट दादाजी आप देखिए। जो लोग ये अनम्यूट ना करें, और प्लीज नित्यान जी, साहिल दोषी जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? प्लीज म्यूट रखें। जी नहीं प्रभु, हाँ, मुझे आपको कोई प्रश्न नहीं है फिलहाल। हाँ दादाजी, हाँ, तो आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए, एक मिनट है ना, एक थोड़ा इमरजेंसी है ना। अच्छा कोई बात नहीं। ये अभी जो बात हो रही है इसमें एक मिनट ना जी, तो अभी जो बात हो रही है हृदय रोग पर आज चर्चा चल रही है, और हमारे लोकेश दादा जो हैं वो यही मतलब बता रहे हैं। दरअसल कि मैं उनकी बात को कंटिन्यू नहीं करके मैं आपको हृदय रोग के विशेष कुछ बातों को बताता हूँ, जीव रोग चिकित्सा और घरेलू उपचार, मतलब आप लोग आपस अपने घर में ही किस प्रकार इसको इफेक्टिवली इसको ठीक कर सकते हैं। पहला चीज, आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब लोग अगर ये समझ रहे होंगे कि हृदय रोग क्या है, तो उसको अभी लोकेश जी ने जो भी बोला उसको एड ऑन करते हुए कि जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन में आपका जो अम्लीय भोजन है और भोजन तनाव के साथ हो, तो भोजन हमारा पचता नहीं और वह मतलब दूषित होता है, और फिर उसका हमारी बड़ी आंतों में या मतलब जाकर वह जमा होता है, और इस प्रकार से जो वह टॉक्सिन्स के रूप में हमारे रक्त नलियों में जब जाता है तो वह प्रेशर बढ़ाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वही अगर ज्यादा ऐसा गरिष्ठ भोजन जो जिसको आप कोलेस्ट्रॉल के रूप में समझते हैं, या आप लोग कभी जब टेस्ट कराते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है, या आपका वो LDL VLDL ये सब बढ़ा हुआ या कम मिलता है, फिर आपका आपकी जो इसके अलावा पैंक्रियाज की फंक्शनिंग आप देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि आपके फैट की शुगर की डाइजेशन में या फैट की डाइजेशन में भी आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ये जनरल CBC रिपोर्ट जो कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट होती है, और LFT कराते हैं तो उसमें अब पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो लोग की थोड़ी बहुत और पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है तो किडनी की फंक्शनिंग में आपको पता चलता है कि पोटासियम या सोडियम ये सब में गड़बड़ी दिख रही होती। ये सारे चीज का कारण आपका छोटी सी है, वह कारण है आपका आहार। कहते हैं भगवान कृष्ण की युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टश्च कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखः।
यानी कि गीता में ये बात है, लेकिन ये आयुर्वेद की बात है कि जिसका आहार सही है उसका व्यवहार विचार जीवन सही है और उसको दुख नहीं होती। यानी कि जो आयुर्वेद की परिभाषा है समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया, कौन है साहिल दोषी जी, आप म्यूट रख सकते हैं क्या प्लीज? सुरजीत सुरजीत जी अब म्यूट रखें प्लीज अपने आप को, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। साहिल दोषी जी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो जो आयुर्वेद की परिभाषा है जो WHO ने भी स्वीकार किया है कि समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया, यानी कि जिसका वात पित्त और कफ ये जो तीन दोष होते हैं, ये वात पित्त कफ क्या है, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में जो पांच तत्व है उसमें से दो दो तत्व मिला के एक प्रकृति बनती है, वह है जैसे वात है। तो वात आपकी वायु और आकाश इन दो तत्वों की अगर गड़बड़ी होगी तो वात रोग होगा। पित्त यानी पित्त क्या है, जल और अग्नि, और कफ क्या है, पृथ्वी और जल। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके खाने में अगर ये पांचों तत्व ठीक से बैलेंस नहीं है, मतलब आकाश भी देखिए अभी बता रहे थे आपको लोकेश ज्यादा कि आपका खाना कितनी मात्रा में, हवा का कितना, खाली जगह कितना। तो इस तरह से हम लोग जो बहुत ज्यादा जो ओवर ईटिंग करते हैं एक बात, फिर आकाश में यह भी आता तनाव के साथ खाते हैं, अगर खाना खाते समय बात कर रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, कुछ टीवी देख रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये सारे चीजों में आपका अल्टीमेटली आपको ये डाइजेशन पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि यह त्रिदोष नाशक बनेगा। इसलिए आपका अग्नि जो डाइजेशन डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि निकलनी चाहिए, जो पाचन तंत्र के लिए जो अग्नि होती है, वह अग्नि फिर ठीक से नहीं होगी और फिर आपको डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी और वही जाकर के अम्लीयता का भी कारण बनेगा। हो सकता है आप क्षारीय भोजन कर रहे हो, लेकिन अब जैसे कुछ लोग हम बोलते हैं फल खाने के लिए, अब बोलते हैं हमको फल खाने से भी एसिडिटी हो रही, तो यह इसीलिए क्योंकि वह जीवनचर्या ही उनकी इस तरह की है कि सोच में भी उनको दिक्कत चल रही होती है। तो यह सारी चीजों को लेकर के आपका अंत में आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जब मतलब रक्त नलियों में से लेकर के आपके हृदय के नलियों में भी आपको वो टॉक्सिन्स जमा हो जाती है जिसको आप कहते हैं माफ कीजिएगा एक कॉल आ गया था, आवाज आ रही है क्या, कोई भी बता दीजिए आवाज आ रही है। हाँ दादाजी आ रही है आवाज आ रही है दादाजी। एक कॉल बार बार आ रहा था इसलिए मैंने उनको बता दिया। तो आप लोगों को आधुनिक चिकित्सा जो है ना, उस आधुनिक चिकित्सा में क्या होता है कि अल्टीमेटली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हृदय रोग बताता है आपको, बोलता है यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर आपको इतना ये है वाल्व में ये दिक्कत है, एंजियोप्लास्टी करानी होगी, या आपको फिर कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो हार्ट में बाईपास सर्जरी करानी होगी, और आपको कहते हैं कि और स्टंट डालने होंगी, फिर बैलूनिंग करनी होगी, ये सब चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या करते हैं, वो जो मुख्य कारण है जिसके कारण आपका हृदय रोग हुआ है उसको दूर नहीं कर रहे हैं कि आपका आहार ठीक हो, आपको एसिड बनाने वाला जो प्रक्रिया है वो ठीक हो, वह नहीं कर रहे हैं, और आपका जो प्रकृति जो है कि आपका ठीक से पाचन हो आगे, उसको नहीं ठीक कर रहे हैं।
कि आपका लीवर ठीक हो, आपकी बाइल जूस की सेक्रेशन ठीक हो, आपका पेंक्रियाज का ये ठीक हो, इस पर नहीं काम कर रहे हैं। और वही योग और प्राणायाम जब आप करते हैं और आहार ठीक करते हैं तो आपके हृदय रोग धीरे धीरे आपकी 100% ठीक होने लगती। और उसी प्रकार जो और भी जो बीमारी जो बिल्कुल ठीक नहीं होती उनकी दुनिया में, जो कैंसर वगैरह जैसे रोग, उसका भी कारण नहीं है, तो उस पर भी हम इसी पर काम करते हैं। इसीलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि या सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, यानी आपको अंततः मतलब यही है कि आहार शुद्ध करना है। तो अभी इमिडिएटली जो मान लीजिए अब बहुत सारा 90% ब्लॉकेज वाला पेशेंट आपके पास है जी, ठीक है, एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, तो उस समय भी हम उनको डिटॉक्स करते हैं, यानी कि हम उनको पहले तो रिलैक्स करते हैं, उनको प्राण शक्ति बढ़ा के, प्राणायाम करा के, एक्यूप्रेशर करके उनके नाड़ी को उस जगह ये करते हैं, मर्म थेरेपी करा के उनके नाड़ी को हम नियंत्रित करते हैं, और फिर उसके बाद हम उनकी पेट से जो गंदगी है वो गंदगी साफ करते हैं, उनको कुछ मालिश वगैरह करके ये करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा ये सब सब करते हैं। और ये सारी चीज आप लोग सीख सकते हैं, घर में कर सकते हैं, मतलब इतना इफेक्टिव है कि अगर आप लोग हमारे साथ जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं अगर वो लोग पूरी तरह कोर्स करना चाहें तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं कि शरीर की बनावट कैसी है। और उसमें जो आम तौर पर जो है मान लीजिए एनाटॉम फिजियोलॉजी जो पूरी तरह नहीं भी सीखे हो, लेकिन आप अगर मोटी मोटी बातें आप लोग समझ लें कि आपके बॉडी में एक छोटी सी बात है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको जनरली देखिए गैस की भी प्रॉब्लम हो रही होती है ना, उनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो रही होती है, उनको जोड़ों में दर्द भी होता रहता है, तो आप उनको इमीडिएटली जैसे अजवाइन है, हींग है, एसिड हो रही है तो उसको आप कैसे सेवन करना है, आपको आपको प्रकृति देख ये थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई वात का व्यक्ति है तो उसको कौन सा सब्जी कौन सा फल देना है, और उसके बाद आपका पित्त का है तो उसको कौन सा सब्जी फल देना है, और अनाज कैसे देना है, अनाज कौन सा देना कौन सा नहीं देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पित्त दोष भी है और मतलब तो उसको आपने अगर प्रोटीन खिला दिया ज्यादा तो वो दिक्कत हो जाएगी, यानी आपने उनको रात में दाल दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, पनीर दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो अब उनको आप लेकिन प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन फिर किस रूप में देंगे, फिर आपको कितनी मात्रा में देंगे ये जान लेंगे आप, तो इस तरह से करके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ये लंबा विषय है, इसीलिए मैं लोकेश जी अगर आप आ गए हों तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको इस पूरी योग चिकित्सा को अगर आप पूरा कोर्स ठीक से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो हमने नंबर दिया है उस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम आपको जोड़ लेंगे जो लोग इस कोर्स को कम्प्लीटली करना चाहते हैं। लोकेश सर आप आ गए क्या, लोकेश जी हैं क्या, सुन पा रहे हैं? चलिए तो लोकेश जी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए, क्योंकि मैं बीच के क्लास में हूँ, मेरा नाम जो लोग इसमें नए लोग हैं वो लोग शायद अगर जानते होंगे तो मेरा नाम अंतरंग योगी है, योगी अंतरंग आनंद, मैं एक योगाचार्य हूँ, तो ये मैं बता रहा था तो इसकी चिकित्सा में मोटी मोटी बात बता दें। जैसे विश्वरूप राय चौधरी जो आपको डाइट प्लान जो बताते हैं तो अभी उसके हिसाब से अभी उन्होंने किडनी पेशेंट के बारे में बोला कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत चूंकि वो एक बहुत ज़्यादा उनको देखे जाने वाले मतलब यूट्यूब में और फेसबुक में देखे जाने वाले मतलब एक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो कोई डॉक्टर नहीं है, पीएचडी किया डाइट पर और उन्होंने बोल दिया है, लेकिन अगर हम इसको समग्रता से देखें तो आपको इस नेचुरोपैथी के साथ जो आयुर्वेद है उसमें वात पित्त कफ ये इस प्रकृति को समझ करके चिकित्सा करनी बहुत जरूरी होती है। यानी पित्त दोष वाला व्यक्ति जिसका एसिड बनता है ज्यादा और उसके साथ अगर बात है यानी उसको जोड़ों में दर्द रहते किसी भी तरह का दर्द तो वह यह है कि उसको अब आपको उसकी डाइट डिफरेंट होगी जिसका कि जो कफ वाला व्यक्ति होगा,
कफ पित्त के कारण कफ होगा तो उसका डाइट डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी की जो क्लास होती है मंगलवार और गुरुवार को इसी समय में, तो उसको आप लोग अटेंड करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब मोटी मोटी बात हम ये बता दें कि आमतौर पर आप सुबह में जो लोग भी हार्ट पेशेंट हैं वो, या ब्लड प्रेशर भी है जो हार्ट रोग की हृदय रोग की तरफ ले जाएगा आपको, ठीक है ना, यानी बीपी है तो आपको चांसेस है कि वो फिर वो ब्लॉकेज हो सकता है हार्ट में चला जाए, हार्ट के वाल्व में। तो आपको वो उसके लिए फिर आपका आहार फिर से वही है ना, अल्कलाइन डाइट आप करना, ये दोनों चीज के साथ साथ मान लीजिए शुगर की भी प्रॉब्लम है तो उसको और फिर करना पड़ेगा। तो आपका पहला चीज है सुबह में जैसे आप मान लीजिए आप वात वाले नहीं है और पित्त वाले अगर हैं फिर तो पत्ते हरे पत्ते जैसे धनिया पत्ता है, पालक है, फिर आपका कुछ इसके अमरूद के पत्ते हैं और ये इसके शीशम के पत्ते, ये सब इफेक्टिव होते हैं। लेकिन आमतौर पर घर में जो आपका ग्रीन ग्रीन पत्ता है जो आपके सब्जियों में रहता है, चौलाई का साग है, इसका आप जूस ले सकते हैं। अब जो लोग कफ प्रवृत्ति है जिनका वात भी है तो उन लोगों को इसको आपको गर्म कर लेना है, यानी आप सूप बना लीजिए इसी का और सूप ले लीजिए सुबह में आप। और इसके अलावा आपका नाश्ता जो होना चाहिए वो सिर्फ फल का होना चाहिए, तो फलाहार आप कीजिए सुबह, और योगासन प्राणायाम जरूर कीजिए और उसमें भी योगाचार्य के संरक्षण में उनके ये में उनसे सीख करके या उनके ये में उनके क्लास से आप ये में आपको कौन आसन करने कौन से नहीं करने वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो आपके उस ऑर्गन से और आपके कौन से चक्र के अनुसार आपको आचार्य जो है वो बता देंगे कौन सा आसन करना है, एक बात। उसके बाद आपका लंच है, भोजन जब आप करते हैं तो भोजन के पहले आपको अल्कलाइन होना चाहिए तो सलाद खाना है। और एक गलती हम लोग करते हैं कि बीच में सलाद खाते हैं, तो सलाद ठंडा है, ठंडा आपके ये प्रकृति करेगा और आप भी गर्म गर्म खाना खा रहे हैं तो ठंडा गर्म करते रहेंगे बीच में तो अग्नि अग्नि आपकी बाधित होगी पाचन तंत्र में। तो इसीलिए आप सलाद आपको शुरू में ही खाना है, तो पहले आप सलाद खा लीजिए, उससे क्या होगा आपकी जो भोजन है वो एसिड वाला भी आपका भोजन है तो भी थोड़ा अल्कलाइन कर देगा। जिनको बहुत ज्यादा मान लीजिए जिनको खाने का मन होता है कि भाई थोड़ा मसालेदार थोड़ा चटपटा होना चाहिए उसको भी पचा सकता है, लेकिन जो हार्ट के पेशेंट है उनको तो बिल्कुल तली भुनी नहीं खानी है। लेकिन उनको टेस्टी खाना अगर नहीं मिलेगा तो वह फिर दिक्कत होगा, फिर वह एसिड बनाएगा। अगर आपको खाना खाने का मतलब मन से आप अगर नहीं खाएंगे, वो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी है और ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए भी है इम्पोर्टेंट कि खाना अगर टेस्टी नहीं होगा तो उसी खाने को जो अल्कलाइन खाना है यानी बिना चीनी के, बिना मैदा के, बिना तेल के और बिना सफेद नमक वाले जो भोजन है, ये आपको भोजन बनाना है बढ़िया से बनाइए। देसी गाय के घी में आप उसको छौंक लगाइए आप, या कच्ची तेल घानी वाली जो ये है तेल है, खास करके तिल का तेल है या ज्यादा ये है तो सरसों के तेल ठीक है, लेकिन अच्छा रहता है कि नारियल के तेल और देसी गाय की घी मिल गई, बिलोना वाली घी जो है दही से बिलोना की हुई जो घी है वो देसी गाय की घी तो अगर आपको मिल जाती है। ये सब जो घी आज को मिलती है जो आपको आमतौर पर ये सब जर्सी गाय की घी रहती है, क्योंकि 500-600 रुपये तक में आपको देसी गाय की घी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उतना कम मात्रा में निकलता है देसी गाय का दूध और फिर उसके बाद वह दही निकला फिर वो बिलोना हुआ तो वह कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1500-2000 रुपये लीटर वाली आपको मिलेगी। और खुद से आप देखिए कि वो घी सही में वो देसी गाय, इसीलिए आप अपने लेवल पे आप उसको मंगवाइए, अपने किसी मित्र मंडली के योगाचार्य के सर्किल से आप उसको घी मंगवाइए और उस घी को आप प्रयोग कीजिए और उससे आप लोग उसका सब्जी उसका दाल छौंक लगाया हुआ दाल
और मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल ही आप ले सकते हैं। तो पहले तो सलाद हो गया, अब सलाद में भी जिन लोगों को कफ है तो वो ठंडा सलाद और खीरा और मूली शाम को नहीं लेना है, और दिन में जो सलाद लेंगे उसमें भी टमाटर और आपको टमाटर और खीरा एक साथ नहीं लेंगे, उसको आगे पीछे कर लेंगे यार, ठीक है, बीच में कुछ और सलाद लेंगे और स्टीम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कफ प्रवृत्ति वाले वात वाले भी। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका भोजन, भोजन के बाद फिर प्रकृति के हिसाब से कि भोजन आंते पिबे तक्रम वैदेशी के प्रयोजन, वो छाछ पीते हैं ये अच्छा है, लेकिन जो प्रकृति के हिसाब से यहाँ फिर देखना पड़ता है कि जो भोजन के बाद में आप अगर मीठा लेते हैं तो आपको अच्छा रहता है। तो मीठा कौन सी, प्राकृतिक मीठा, ये नहीं कि आप वो खीर और सेवई और ये सब बनाए वो खा लीजिए, या कुछ लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, तो जहर है। इसीलिए भोजन के बाद में आपको क्या लेना है, आपको लेना है प्राकृतिक मीठा। जैसे गुड़ लेते हैं तो गुड़ और अजवाइन ले सकते हैं आप, तो वो दोनों बैलेंस कर देगा आपको, या अजवाइन और सौंफ ले सकते हैं आप। तो इस तरह से करके आप उसको आप भोजन के बाद आप लेंगे तो वो आपको फिर अगर कुछ एसिड होगी तो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। शाम का भोजन जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उनको ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये ले लेना है कि आप शाम का भोजन आपको जल्दी हो जाना चाहिए, यानी शाम के सूर्यास्त के समय में हो जाना चाहिए। और दूध अगर लेते हैं तो देसी गाय की दूध ही हो, ठीक है। लोकेश दादा आप आ गए क्या? हाँ दादाजी, हाँ दादाजी, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो ठीक हो गया, सॉल्व हो गया? हाँ हाँ दादाजी जी। तो मैं बीच में थोड़ा सा मैं कंटिन्यू ले लिया था और मैंने कुछ बातें बता दी हैं, आप फिर से कंटिन्यू रखें, ओके। जी जी जी, मैं थोड़ा सा करता हूँ, आपने कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है तो आपने काफी विषय को कवर कर दिया है। तो उसमें जैसे दादाजी अभी बता रहे थे डाइट के बारे में, तो वो डाइट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं दादाजी, उसको कंप्लीट कर लीजिए डाइट वाला, फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ मैं, है ना? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हार्ट के हार्ट का जो कारण हमने बताया था वो आपने समझा हो, और कारण के साथ हम करा लो, बैलूनिंग करा लो आप, ठीक है। के लिए डाइट पर हम आ जाते हैं, शाम के भोजन पर। भोजन आपका जैसे देसी गाय का दूध अगर मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, सूर्यास्त के समय में, कि दिनांते पिबे दुग्धम भोजनांते पिबे तक्रम अनिशांते पिबे पयः वैदेशिकीम प्रयोजनम। ये तीन दोष जो है ना वातपित्त कफ, तो सुबह सुबह उठ के जब आप पानी पीते हैं तो आपका कफ दोष ठीक करता है। भोजन के अंत में छाछ पीते हैं तो आपको जो पित्त दोष है वो ठीक करता है, लेकिन यहाँ भी ये कफ प्रवृत्ति अगर है तो फिर उसको आपको प्रकृति के हिसाब से आपके लिए छाछ कितना सही है या फिर आपको योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य के निर्देश पर आपको समझ में आएगा, राइट? ओके। तो भाई बीच में कोई भी अनम्यूट ना करें प्लीज। तो एक ये बात है। दूसरी बात है कि आप अगर फिर उसके बाद शाम को आपको दूध देसी गाय की मिल जाती है तो उसमें आप हल्दी डाल के ले सकते हैं, फिर जो थोड़ा सा पित्त दोष और है तो उसमें दूध में मुनक्का उबाल के ले सकते हैं, ठीक है, अंजीर भी उबाल के ले सकते हैं। तो ये है। उसके बाद मान लीजिए कि जिन लोगों को कब्जियत रहती है ज्यादा, तो आप क्या करो, दूध में थोड़ी पानी मिला लो, मतलब एक कप दूध है तो एक कप पानी मिला लीजिए और उसको एक कप होने तक उसको उबालिए, यानी पूरा पानी निकाल दीजिए और उसमें आप मुनक्के डाल के उबालिए और उसको फिर आप ये कम करना है, ये करना है सोने से पहले, ठीक है, और उस दूध को आप पी लीजिए, मुनक्के खा लीजिए। और जो जो आपका त्रिफला चूर्ण है उस त्रिफला चूर्ण को भी आप लीजिए, और त्रिफला चूर्ण को आप फांक करके दूध पी सकते हैं, या आप कुछ लोग हैं जो त्रिफला चूर्ण को आप दूध में मिक्स करके भी बताते हैं, तो वह भी प्रकृति के हिसाब से। लेकिन
अब ये दूध जो है शाम को पीना है, शाम को पीना है तो शाम को दूध पीने से क्या होता है, आपका जो दिन भर का आपका वात है, वायु दोष है, उसको नियंत्रित करता है। तो इसीलिए आपको, अगर मान लीजिए आप जो लोग ऐसे हैं जो लोग रात में दूध पीने की कब्ज की बात कर रहे हैं, तो उनको तो भोजन बहुत हल्का होगा, यानी कि उनका भोजन पच चुका होगा करीब करीब, तब जाके वो शाम का ये दूध का सेवन करके और इस तरह चलेंगे। तो ऐसे करके ये भोजन का ये सिस्टम है। भोजन में जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनका शाम का भोजन बिल्कुल कोई भी तरह का प्रोटीन नहीं होगा, उनको दाल बिल्कुल नहीं खाना है, उनकी सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल होगी या वेजिटेबल दलिया होगा, वेजिटेबल खिचड़ी होगी, ठीक है। तो जैसे वेजिटेबल खिचड़ी भी होती है तो मूंग की दाल छिलके वाली आप लौकी के साथ और इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं वो लोग सब्जी और रोटी अगर खाने का भी मन करता है आपको रात में, रात मतलब शाम में, वही मतलब खाने का टाइम तो वही हो गया, सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर में आपको खा लेना है, ठीक है। और सूर्यास्त के पहले अगर भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो अगर रोटी खाते हैं तो जौ के आटे की रोटी, थोड़ी सी उसमें गेहूं मिला करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर वही हो जाती है कि वात वाले अगर हैं तो उनको जौ के साथ उनको फिर थोड़ा हैवी भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि वात के लिए फिर उसके जौ उनको थोड़ा ये करता है। तो ऐसे करके ये डाइट का ये सिस्टम है। लेकिन ये सारी चीजें एक क्लास में मैं यही निवेदन करूंगा कि एक क्लास में आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम हार्ट के बारे में आपको हम बता दिए और इसी के अनुसार आप थेरेपी शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि योग आयुर्वेदाचार्य के ये पर कि हार्ट का मामला है, ये आपको समय ज्यादा नहीं देता है ये प्रॉब्लम, और कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने झेला है, मैंने देखा है कि कफ सॉरी इसका मरीज आया पित्त का और उसकी कफ भी है, यानी कि उसको एसिडिटी होती है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, कब्जियत होती है और वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने उनके किडनी फेल भी बता दिया उतनी देर में, और 6 दिन तक रख लिया और लाखों के बिल भी हो गई। और ऐसे लोग होते हैं, और वो इलाज क्या होनी थी उनकी इलाज होनी थी पित्त की और कफ की, और वो 3-4 दिन उसको प्राकृतिक और आयुर्वेदिक ठीक से इलाज होता तो हो जाता। अब वो हार्ट वो हो गया और फिर उसका कफ बढ़ता चला गया और अंत में वो हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो आ गई। इसीलिए आपको ये समझना है कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है इन चीजों का, वो एक इमरजेंसी में कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आज मुझे दुख के साथ कहना है कि जो हमने फोर्टीज हॉस्पिटल या मेदांता वगैरह में जितने भी डेथ देखे हैं, और हम लोगों को जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हमारी 20 साल के जो अनुभव के हिसाब से जो हम लोगों ने जो मरीजों को बचाया है ना, तो बड़ी दुख की बात कहना पड़ता है कि उनको अगर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोग आज चैलेंज कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि यह सही कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें यह सिर्फ मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस है जिसके कारण हम उनको स्वीकार करते हैं और उनके पास जाते हैं इलाज कराने। नहीं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर इस चिकित्सा को पूरी तरह जो हम लोग कोर्स करा रहे हैं इसको अगर आप लोग ठीक से सीखें, और ईश्वर की कृपा से हम लोग जो अभी आयुष मंत्रालय के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको मान्यता मिले इस चिकित्सा को, या होलिस्टिक इंटीग्रेटिव थेरेपी जिसमें हमारे पास MBBS MD भी डॉक्टर हैं इस थेरेपी में, ठीक है, उनकी भी हम कोर्स कराएंगे आपको बीच बीच में, डॉक्टर प्रशांत राजगुप्ता जी आप गूगल में देख सकते हैं उनको, ठीक है। वो आज MBBS MD के बाद जो 40s और मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में ICU के पेशेंट को जाकर के उन्होंने आयुर्वेद दवा दिया बिना किसी को बताया, और उन पेशेंट को उन्होंने खड़ा किया क्योंकि उनको मालूम था कि अब वो पेशेंट जाएगा कोलैप्स करेगा, ठीक है। तो आज डॉक्टर KK अग्रवाल जी नहीं रहे, हमने उनके साथ भी काम किया, और वो भी किस प्रकार जो पद्मश्री थे और ये थे मतलब आयुर्वेद का हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे, हम लोगों के साथ चिकित्सा में भी शामिल रहते थे। अगर डॉक्टर KK अग्रवाल की आप YouTube की वीडियोस आप लोग देखें कोरोना के ऊपर में जितनी बातें बोला, तो उसमें देखिएगा उन्होंने नेचुरोपैथी की बात कहा, आयुर्वेद की बात कहा। इसीलिए यही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकेश जी जो कंटिन्यू करेंगे उसके साथ साथ जितने लोग भी आज यहाँ पर हैं योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य
और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह जो जो लोग भी ये हैं, उन लोगों को, सब लोगों को ये बताना है कि हम लोग अपने पैथी पर हम लोग विश्वास करें, और विश्वास करके इस तरह से इस पैथी को, हृदय रोग, हार्ट और ये कैंसर और किडनी फेलियर, इस तरह के मरीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें एक व्यवस्था मिले और ये सारी थेरेपी के व्यवस्था रहें। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे भरतपुर में हम लोग एक सेंटर बना रहे हैं, अब मैं अभी फरीदाबाद के वेलनेस सेंटर में, मैं अभी आपको वीडियो ऑन करता हूँ और देखिए कि किस प्रकार हम लोग अभी जहाँ हैं, ये आपको दिख रहा है कि सामने ये खेती है, ठीक है, और ये वेलनेस सेंटर है हमारा जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ काफी मरीज कल आए हुए थे पेशेंट, तो ये सब डेवलप कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, और हम यहाँ अभी हजारों की संख्या में जो हमारे जितने हमारे योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य हैं सबको हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी जो लोग भी अभी सुन रहे हैं इस कोर्स को कंटिन्यू करते करने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसका मौका मिलेगा आपको। सेंटर्स हमारे होंगे जहाँ पर हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे और कंप्लीट कोर्स होगा और कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, और आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको मान्यता प्राप्त होगा कि आप इसको चिकित्सा कर सकेंगे। जी तो लोकेश जी आप इसको कंप्लीट करें, कंक्लूड करें, और जो भी आपका बचा हुआ था उसको पूरा कर ले प्लीज। ओके ओके, धन्यवाद दादा जी, बहुत बहुत। हम समय जो हमारे समय सीमा है उसको उसी आधार पे हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करेंगे, और जो विषय इसमें दादाजी ने जैसे कवर कर दिया है उसके आधार पर पता चल गया है कि हृदय रोग के लिए हमें क्या करना है। तो कुछ जो विषय रहा था कि किस प्रकार से, जैसे जो कारण पे हम चर्चा कर रहे थे, कुछ मुख्य कारणों पर हम और चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे, पहले से हम सावधान रहें कि हमें हृदय रोग का प्रभाव न पड़े। तो हमने मुख्य रूप से चर्चा कर लिया था कि हमें अतिरिक्त भोजन नहीं करना है, हमें अम्ल युक्त भोजन नहीं करना है, अम्ल की चीजों के संपर्क में नहीं आना है। इसके बाद में जो आता है जो क्रोध है, हमें मुख्य रूप से एक क्रोध से पहले पेट साफ की जो अवस्था थी कि हमें इस अवस्था में पेट साफ, जैसे दादाजी ने बताया, तो उसमें मैं लंबा ज्यादा नहीं जाऊंगा। विशेष रूप से हमें पेट साफ के लिए पूरा ध्यान रखना है। तो पेट साफ के लिए क्या होता है कि हमें अपना सही समय पर भोजन करेंगे, सही से एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज एक औषधि का काम करती हैं। आप देखेंगे यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप देखेंगे कि आपके पेट की ताकत बढ़ गई है। सुबह सुबह एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है 5 बजे से 7 बजे के बीच में यदि आप पानी पियेंगे तो उस समय आप देखेंगे मोशन अपने आप आ रहा है, और हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने वेग को ना रोकना। तो वेग आए इसके लिए हमें कुछ औषधियाँ, कुछ आसन और नियम जो हैं वो अपनाना, एक्यूप्रेशर अपनाना, जिससे कि उन ऊर्जा को बल मिले और वो सिस्टम के साथ काम करें। और जब वो सिस्टम के साथ काम करने लगें और जब उसकी तरफ से निर्देश आए तो उस निर्देश को हमें रोकना नहीं है, हमें वेगों को रोकना नहीं है। ये हम अगर करेंगे तो वेगों को रोकना भी हार्ट अटैक में बहुत बड़ा कारण है। यदि आपको मल आ रहा है और आप रोक रहे हैं उसको तो बहुत अनुचित चीज़ है। बहुत एसिड बढ़ाता है शरीर के अंदर वो, और बहुत यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी कारण से थोड़ा सा भी एहसास हो मल के निष्कासन का तो पूरा ध्यान रखना है, और इंडियन स्टाइल में बैठने की ज़्यादा कोशिश करना है। जिनके घुटने में परेशानी नहीं है तो मल निष्कासन करना है, और मल निष्कासन के लिए और भी विधियों को अगर जानना है तो वो चर्चा की जा सकती है मुझसे, अंतरंग दादा से या वैद्यों से आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है थोड़ा मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि अभी 6 बजे तक का समय हम लोगों ने निर्धारित किया था। इसमें जो क्रोध है वह क्रोध है या अतिरिक्त आवेग है, अतिरिक्त चिंता है, वह हमें अपनी वृत्तियों को रूपांतरित करना होगा। हमें अध्यात्म को समझना होगा, हमें वास्तविकता को, जो सहजता है, परमात्मा है, उसके कारण, कारण तत्व के कारण सब कुछ हो रहा है, इस बात को स्वीकार करने के लिए कुछ शास्त्र वगैरह और ध्यान को पढ़ना होगा। अन्यथा हमें
हम क्रोध और अतिरिक्त तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। हम ये सोचते हैं कि हम ही करने वाले हैं। जब ये भावना आती है तो हम क्रोध भी करते हैं और हम तनाव भी लेते हैं। जब हमारे अंदर ये भावना आने लगती है कि ये जब जो जो सृष्टि है, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ये बनाई हुई है, हम इसके एक पात्र हैं और हम इसको समझ रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, हमारी पूरी एक मशीनरी बनी है और उसमें ये मन मिलाए, जिस उस मन का काम है तालमेल बिठाना और तालमेल बिठा के अनुकूलता को ग्रहण करके सुखपूर्वक रहना, ये हमारा कार्य है। इस व्यवस्था को समझना है तो हमें तनाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोई भी वो नहीं है, हम किसी भी चीज के उद्भव करता नहीं है। हम चीजों में समझकर अनुकूलता के साथ में अनुकूलता का व्यवहार करेंगे तो जो सुख का हमें एक एहसास प्रदान किया जाता है वो हमें मिलता रहेगा, जो हमने नहीं बनाया है। इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए हमें तनाव नहीं होगा, हमें क्रोध भी नहीं आएगा कि ये सब कुछ तय है और जो कुछ हो रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, तो वह उसकी अपनी मानसिकता, उसकी समझ के आधार पर है। और यदि हमें कुछ किसी को समझाना है या थोड़ा सा आक्रामक होना है तो हमें अंदर से नहीं होना है। जैसे फौज में आप देखेंगे कि अगर आक्रामक होता है उनका लीडर तो वो अंदर कंट्रोल करके रखता है, वो अंदर से एकदम आक्रामक नहीं होता, वो डिसिप्लिन बनाने के लिए ऊपर से होता है। तो वो चीज हमें रखना है कि कैसी परिवेश में को हैंडल करने के लिए हमें काम करना है, ना कि अंदर से हमें व्यथित होना है, उसके लिए अपना अपना कंट्रोल खोना है, वो सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ये बहुत हानिकारक होती हैं हृदय रोगियों के लिए भी और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी। इसके बाद में हमें जो अतिरिक्त लज्जा है या अतिरिक्त संशय है, वह भावना भी हमें हमारे लिए हानिकारक है। कुछ कुछ व्यक्तियों में इस तरीके की भावना भी होने लगती है, तो उस पे भी हमें समझने की जरूरत है कि हमें शास्त्रानुसार, आप पुरुषों के अनुसार हमें काम करेंगे तो हमें लज्जा किस बात की, और हमें हम सही पथ की तरफ चल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम सही पथ की तरफ चल रहे हैं, तो फिर किस बात का संशय। तो इसलिए हमें ये चीजें क्रोध और लज्जा, ये हमारी अपने आप थोड़ी शांत होंगी। इसमें मुख्य रूप से एक और बिंदु, कुछ बिंदु और हैं, जैसे भय। तो भय में हम देखते हैं कि इस भय की वजह से भी बहुत सारे हृदय रोग, हृदय रोगी आपातकालीन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और जब क्या होता है कि कोई स्वप्न में भी आप देखेंगे कि यदि व्यक्ति रोगी कुछ खराब स्वप्न देख लेता है तो उसके मुंह और नाक में से मृत्यु उपरांत खून आने लगता है, यानी कि वो कारण है कि उसने स्वप्न में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो कुछ उसने मतलब कुछ वो डर गया था। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति के ऊपर भूत या किसी कुछ ऐसी आपदा का प्रभाव हुआ है, लेकिन वह उसके स्वप्न में उसने कुछ अपनी इंद्रियों पर, अपने मनोविकार पर नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण वो डरा है, इसलिए उसकी आपातकालीन मृत्यु हुई है, वो कोई भूत का या किसी और अवस्था का प्रभाव नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और भय के कारण भी क्या होता है कि जो अतिरिक्त हृदय चाप पड़ता है हृदय के ऊपर, उससे हृदय बहुत ज्यादा धड़कने लगता है और हृदय की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है। और एक बात, कुछ बातें और ध्यान देनी है कि जैसे अतिरिक्त हमें वीर्य नाश नहीं करना है इस अवस्था में। और उसमें क्या है कि यदि हम अतिरिक्त कामुकता की भावना में भी रहते हैं तो उससे भी हमारे सांस प्रश्वास की गति भी बढ़ती है और शरीर भी दुर्बल होता है। अतिरिक्त व्यवहार हम करते हैं, कितना करना है, क्या नियम है इसके, उसको लेकर श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत अच्छा बताया गया है कि आप वैसे तो जितना ज्यादा संयम कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन महीने में एक बार
यदि प्रयास करते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बार संपर्क में आना फिर उचित नहीं रहता है। और अधिकतम की भी उन्होंने कुछ सीमा बताई हुई है, तो आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। और जितना ज्यादा संयम किया जा सकता है उतना अच्छा है इसमें। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए, मतलब ब्रह्म में अपने मन को हम लगाने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप हमारी काम ग्रंथि परिवर्तित होती है और उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर की ग्रंथियों को पोषण मिलता है। तो ये हम अपने ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्राणिधान का अनुसरण करेंगे यम नियम में, तो हमें लाभ होगा। इसमें जो मादक द्रव्य हैं, जो हमारी रक्त में अम्ल की मात्रा को बढ़ाते हैं, उनका विशेष रूप से त्याग करना है। चाहे गुटखा है, कोई भी हो मादक द्रव्य, गृहस्थ द्रव्य जो अम्ल की मात्रा को बढ़ाए और हमारे कब्ज को करने का कारण बने, उन सबको हमें दूर रहना है। और इससे हमारे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी शरीर में, तो समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम गड़बड़ होगा। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, कुछ करते नहीं थे, साधना पूजा ध्यान करते थे, फिर भी इनको हार्ट अटैक हो गया छोटी अवस्था में, कोई नशा नहीं करते थे। उस अवस्था में क्या होता है, उनके रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो भी उनको ये परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो शराब पीता होगा तभी होगी, शराब पीता है तो होगी होगी, लेकिन शराब नहीं पीता है तो भी अगर सात्विक आहार ग्रहण करता है, तनाव करता है वो, और वो तनाव अतिरिक्त तनाव करता है, तो उसके भी कुछ भी मतलब वो नियम पूर्वक रहता है और वो तनाव में को नहीं छोड़ पाता, तो भी उसको अम्ल उसके शरीर में बनेगा, या तो उसे अल्सर हो सकता है या उसे कुछ और समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और ये और इसके लिए जब हमारे हृदय के रोग, कोई बीमारी, पुरानी बीमारी हमारे रहती है, जैसे मान लीजिए हमें पायल्स बहुत लंबे समय से है, स्किन प्रॉब्लम हमें बहुत लंबे समय से है, हमें कोई भी बीमारी लंबे समय से है, तो वो क्या होगा कि उस वजह से भी हृदय रोग को रेगुलर अतिरिक्त काम करना पड़ता है, तो हृदय रोग कम, हृदय कमजोर होता है। तो उस अवस्था में ध्यान रखना है कि जो बीमारी है वो बीमारी का निदान जल्दी से जल्दी हम लोग निकालें, जैसे कि बेरी बेरी है, निमोनिया है, यक्ष्मा है, मधुमेह है, प्रमेह है, उपदंस है, स्त्री पुरुष व्याधि है आदि, इस प्रकार की जो व्याधियां हैं उन सबसे हृदय यंत्र दुर्बल होता है। आसन के बारे में दादाजी ने चर्चा कर ली है, और इसमें हमें अपने ग्रंथि नियामक जो है कि ग्रंथियों पे ध्यान लगा के हम आसन करने का जो कंसेप्ट है वो आनंद मार्ग में बहुत अच्छे से बताया गया है कि और जगहों पर बहुत कम देखने को मिलता है कि ग्रंथि पर फोकस करके ही हमें आसन करना है या ध्यान करना है। तो उसमें भी आग्नेय प्राणायाम या वायवी प्राणायाम ये बहुत सहायक होते हैं। तो कौन सा इसमें करना है या नहीं करना है, आग्नेय का मैंने इसलिए कहा कि जैसे पाचन तंत्र भी कमजोर है तो आग्नेय का प्राणायाम या अग्निसार मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वायवी मुद्रा का प्रयोग करेंगे वायवी प्राणायाम का हृदय को मजबूत बनाने के लिए। तो वो बहुत सारी प्राणिक हीलिंग में भी हम लोग अपने चक्रों को हील करने का कोशिश करते हैं, तो वो प्राणिक हीलिंग भी कर सकते हैं। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको प्राणिक हीलिंग का भी कंसेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार बहुत सरल चिकित्सा है वो, और बहुत आसानी से उससे हम अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। एक काल्पनिक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं, दूर किसी दूर कोई दूर व्यक्ति है उसका भी कर सकते हैं और अपना भी कर सकते हैं, तो और एक्यूप्रेशर आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें हमें जो पथ्य वगैरह के बारे में ध्यान रखना है वो दादाजी शायद बात कर चुके हैं, बस शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, या फिर अगली बार हम इसको ले लें। अंतरंग दादाजी, हाँ अंतरंग दादाजी, पथ्य के बारे में अभी मैं बताऊं कि अगली बार इसको लें या प्रश्नोत्तरी लें कुछ? जी, तो अभी शायद दादाजी सुन नहीं पा रहे हैं,
तो अभी मैं आपको पथ्य थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ, मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है दादा। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा वास्ट विषय है किधरो, तो इसको अगली बार लीजिए, अभी थोड़ा प्रश्न ले लीजिए, तो 15 मिनट ही बचना है। जी जी, प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, और इसमें कुछ मैं घरेलू उपचार बता देता हूँ, वो घरेलू उपचार बता फिर अगले क्लास में वेंसडे को आप फिर से हृदय रोग रखिएगा, और फ्राइडे को प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाँ, हृदय रोग में बहुत सारे रोग हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो सब पे हम चर्चा करेंगे। और अभी क्या है कि जैसे कुछ घरेलू कुछ जो आहार है, सामान्य आहार मैं बता देता हूँ कि सामान्य आहार इसमें व्यक्ति को क्या है कि जैसे जब रोग की अवस्था बढ़ जाती है तो फलों का रस, जैसे कि संतरे का रस, और इसमें और जैसे देसी गाय का दूध है, जल मधु के साथ है, शुद्ध मधु उसको मिलता है, पालक है, बथुआ है, पुनर्नवा है, और शुल्फी का साग है, इनका प्रयोग करना है। और जब प्यास ज्यादा लगती है तो नींबू में अल्प मात्रा में थोड़ा सा उसका रस और सेंधा नमक मिलाकर उसका प्रयोग करना है। दिवा निद्रा रात्रि जागरण नहीं करना है, लोभ बस ज्यादा भोजन नहीं करना है, अतिरिक्त भोजन नहीं करना है। और ये जो आहार का वर्णन किया मैंने, इसका ध्यान रखना है। और जैसे अनाज में पुराने चावल, पुराना गेहूं, सब्जियां लौकी परवल, टिंडा, दाल में मूंग की दाल और कुलथ की दाल भी थोड़ी थोड़ी प्रयोग की जा सकती है। फलों में नींबू, अनार थोड़ी मात्रा में, केला, संतरा, आम थोड़ी मात्रा में, कंदमूल में जैसे अगर हम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अदरक और सौंठ, और जैसे कि हरा धनिया थोड़ी मात्रा में, बादाम, अजवाइन, गौमूत्र वैद्य की सलाह के अनुसार, और जीरा, धनिया आदि, इन सब चीज़ों को अभी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पथ्य के में आते हैं, और पथ्य के बारे में जानना है तो हम आगे चर्चा कर लेंगे। और इसमें जो घरेलू उपचार हैं वो है जैसे कि प्रत्येक दिन सवेरे और शाम को मधु के साथ में बड़ी इलायची का चूर्ण छिलका सहित उसको पीस कर उसके चूर्ण को छोटी वाली चम्मच को मधु के साथ सेवन करने में आराम मिलता है। सुलफी का साग का क्वाथ मधु मिलाकर पीने से भी हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। आप कृपया लिख लीजिए इसको, और रिकॉर्डिंग में भी आप सुन सकते हैं। दालचीनी के चून मधु के एक छोटी चम्मच मधु के साथ में दोनों वक्त लेना है इसको, खाली पेट भी ले सकते हैं, बड़ी इलायची लें या दालचीनी लें। और इस प्रकार आप इनका सेवन करना है। भूमि कुष्मांड के चूर्ण का भी सेवन आप कर सकते हैं इसमें, और इस प्रकार आप वो करेंगे। और भी बहुत सारे घरेलू उपचार हैं, जैसे वाता हृदय रोग में अलग हैं, पित्तज में अलग हैं, कफज में अलग हैं। तो वाताज के लिए क्या है कि पूरा एक वो बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम है, जैसे कि पुनर्वादी वाद्य तेल की मालिश करने से भी वाताज रोग में आराम मिलता है। और यदि आप अगली बार हम लोग बता देंगे कि जैसे एक मैं विधि बता देता हूँ, जैसे हर है, वच है, रासना है, पीपर है, सौंठ है, कचूर है, और कूट है, उसको सम मात्रा में लेकर पीसना है। इस चूर्ण को 1.5 से 3 मासे तक पानी के साथ खाने से वातज हृदय रोग में आराम मिलता है। पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग में भी अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे पित्तज का मैं आपको बता देता हूँ एक, कि अर्जुन वृक्ष की छाल को दूध में पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्तज हृदय रोग में आराम मिलता है। और कफज हृदय रोगी के लिए भी एक विधि है, उसको विधि थोड़ी सी बड़ी है। तो जैसे कि पीपरा मूल और छोटी इलायची का चून घी के साथ चाटने से भी कफज हृदय रोग में आराम मिलता है। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। और सन्निपातज के लिए और कृमि रोग के लिए हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, तो अभी समय हो रहा है, इसलिए आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न कर लीजिए।
आपके प्रश्न है किसी के तो आप थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कोई। हाँ किन्नी भाइयों के किसी के प्रश्न है? हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ, जो ब्लॉकेज के पेशेंट होते हैं या हृदय रोग के पेशेंट होते हैं उसको जो तकलीफ हो रही है अभी, तो उनको तुरंत आराम मिलने के लिए कौन सा उपचार करना होगा? ऐसा है जैसे क्या होता है कि तुरंत उनको अगर हृदय रोग की समस्या हो रही है तो एक्यूप्रेशर में सुजोक में हृदय का एक बिंदु होता है जो आप डालेंगे नेट पे सर्च करेंगे सुजोक हर्ट पॉइंट, तो वो आपका हथेली में आ जाएगा है ना। उसको अच्छे से पंपिंग करना है वहां पर, काफी अच्छे से बार 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 पंपिंग करना है और थोड़ा दबा के रखना है उसको, पंपिंग भी करना है पेशेंट की स्थिति के अनुसार आपको देखना है, थोड़ा दबाना है उसको और दबा के थोड़ी देर के लिए रखना है और 30-40 सेकंड से स्टार्ट करना है, फिर देखना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर उसको दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, इस प्रकार पेशेंट की ओर देखना है कि क्या उसका रिस्पॉन्स है। रिफ्लेक्सोलॉजी में भी हार्ट के बिंदु हैं उस पर भी, वहाँ वो अलग बिंदु है जो सुजोक में है हथेली में, उसको भी दबाना है। और गैस वगैरह के जो पॉइंट हैं सुजोक के आधार पे और रिफ्लेक्सोलॉजी के आधार पे लीवर के और पेट के, उनको भी दबाना है कि गैस वगैरह भी रिलीज हो पेशेंट की। और थोड़ा अगर मौका मिलता है तो कोई उनके हाथ पैर को थोड़ा थोड़ा सा दबाव दे सकते हैं कि जैसे गैस वगैरह हो तो वो रिलीज हो जाएगी हल्का हल्का सा। और इसमें जैसे एकोनाइट बोला है राजीव भाई ने कि एकोनाइट अगर एकदम इमरजेंसी होती है तो एकोनाइट 30 उसकी बार बार उसकी रखना है, जैसे कि 3-3 बूंद 10-10 मिनट के अंदर से उसको देनी है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और मुख्य रूप से तो ये एक्यूप्रेशर और इसके बारे में मैं आकस्मिक के लिए मुझे पता है। और जैसे कि कौन सी उनका स्वर चल रहा है, यदि हृदय रोग की परेशानी हो रही है और उनका स्वर जो उस समय स्वर बंद है उसके अपोजिट उनको लेटाना है, तो वो तो खैर बता नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा अगर वो बताते हैं तो जैसे बताने की अवस्था में घबराहट हो रही है और उनका बायां स्वर बंद है और दाएं स्वर चलते समय भी उन्हें घबराहट हो रही है, तो उन्हें अपना स्वर बदलना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर स्वर बदलना चाहिए, इस तरह उन्हें स्वर बदलते रहना चाहिए, थोड़ी देर देखना चाहिए कि किस स्वर में तुम्हें आराम महसूस हो रहा है जी। तो ये और गाय का देसी गाय का घी नाक में डालने से भी उनको थोड़ा सा एक बात का प्रकोप कम होगा, इसका भी उनको प्रयोग कराना है आकस्मिक अवस्था में, तो ये प्रयोग करना चाहिए हरिचंद। मैं दादा एक ऐड कर रही है कि गैस रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, तो अपान वायु मुद्रा, अगर अपान वायु मुद्रा ये देख सकते हैं कि अपान वायु मुद्रा जो है ना, ये मैंने एक हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था ट्रेन में, ये तो मैं ये जो मुद्रा है ना ये मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, पिन किया आपकी वीडियो, स्पॉटलाइट करिए आप, स्पॉटलाइट अपनी वीडियो, स्पॉटलाइट हो नहीं रहा एक्चुअली, पता नहीं क्यों, एक मिनट रुके। हाँ हो सकता है वो दीदी वो होंगी ना। आया अब आया? हाँ ठीक है आ रहा है। देखिए ये है वायु मुद्रा, ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है, तो अगर ये ये स्वर बदल लिया, यानी आपका स्वर बेसिकली अब डिपेंड करता है, ऐसे सूर्य नाड़ी को चलाना चाहिए यानी राइट नॉस्ट्रिल को,
तो ठीक है, तो उस तरह से आपका पाचन तंत्र यानी जो है अग्नि ठीक हो जाता है, गैस को रिलीज करता है, और साथ साथ ये जो ये है अपान मुद्रा, ये अपान और ये वायु मुद्रा, इसको हम लोग मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, दिख रहा है सबको? तो ये करीब 15-20 मिनट अगर ये हो गया, और लिटा करके जो पैर है दोनों, आवाज चली गई दादाजी आपकी। मुकेश भैया आप बोलिए। हाँ अंतरंग दादा आपकी आवाज चली गई है, आपका आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से। जी जी आप कंटिन्यू करें। हाँ जी हाँ जी हरिशन जी, तो मैंने तो जो बताया था उतना ही मैं मतलब मैंने अनुभव किया है। आपको उतना आप करेंगे ना, जैसे कि हाथों के तलवे पर भी मालिश करेंगे, दबाएंगे अच्छे से, और पैरों के तलवे को भी दबाएंगे, जो अब मुद्रा बता रहे हैं दादाजी वो मुद्रा भी करना है, और उसके साथ में अपनी जो नाड़ी है उसको बदल लेना है, और जिस जिस समय बदलने के बाद आराम उनको आराम महसूस हो उसी नाड़ी में फिर रहना है, और इस प्रकार हम थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान देकर उस आपातकालीन स्थिति से निकल सकते हैं। और जैसे फिर बाद में क्या है कि बाद में क्या है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अपना सकते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर करने पर उस आपातकालीन स्थिति से निकल सकते हैं, लेकिन अच्छे से एक्यूप्रेशर करने की जरूरत है। वो क्या है कि वो नस फटी ना हो, अगर हृदय में अंदर की तरफ कोई जो हृदय को रक्त पहुंचाती है वो नस ना फटी हो, केवल घबराहट हो, तो उस अवस्था में हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए फिर भी हमें एक्यूप्रेशर के माध्यम से कि पेशेंट के अंदर थोड़ी एनर्जी आए, और उसकी जैसे एक्यूप्रेशर में क्या है ना बहुत सारी बिंदु हैं, लेकिन जो सरल होता है जिसको सामान्य व्यक्ति कर पाता है वो रिफ्लेक्सोलॉजी सुजोग और जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की कुछ बिंदु हैं, जैसे हमारी जो सीधे हाथ की हमारी उंगली है और उल्टे हाथ की, जैसे हम छोटी छोटी उंगलियों को भी दोनों उंगलियों को भी हमें मसाज करनी है, और इन जैसे इंडेक्स फिंगर और मतलब हमें मुख्य रूप से वैसे छोटी को मसाज करना है तीनों जॉइंटों को, और इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर पे भी मसाज करनी है, ये काम दो हमें करना है। इसके बाद यदि हम कर सकते हैं तो हमें जो हमारी रिंग फिंगर है उस पे भी दोनों हाथों की रिंग फिंगर पे भी मसाज कर लेनी है, तो ये भी करने से इतना तो हमें करना ही करना चाहिए, इसके अलावा जितना और दबा सकते हैं हाथ को अच्छे से, किडनी के पॉइंटों को और जितने भी पॉइंटों को और दबा सकते हैं वो और दबाते रहना चाहिए। तो उसमें जैसे एक LI4 का बिंदु होता है अपने पीछे की तरफ, तो उस LI4 पे भी आप सर्च करेंगे LI4 तो आपको पता चल जाएगा, तो उसको भी दबाने से हमें आराम महसूस होगा, और वह मतलब काफी टॉक्सिन को रिलीज करता है शरीर में से, तो एक आराम मिलेगा। जी हरिचंद जी, मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ, दादाजी कहाँ से है मुझे परिचित नहीं है। जी जी अंतरंग जी हमारे साथ में ही है हरिचंद जी, और ये अभी दिल्ली में है इस समय, और ये एक योगाचार्य हैं, और और उसमें क्या है कि हम लोग मुख्य रूप से श्री प्रभात रंजन सरकार जी का जो एक सिस्टम है किस प्रकार से स्वस्थ रहा जाए आयुर्वेदिक तरीके से और यौगिक माध्यम से,
और घरेलू उपचार से उसको उसको लेते हुए आयुर्वेद के साथ में हम लोग ये एक जो दादाजी ने सेशन चलाया है उसमें हम योगदान अपना दे रहे हैं। ये हरिश्चंद जी नमस्कार। नमस्कार। आप हर क्या हरिश्चंद जी मेरे साथ हरिश्चंद जी मेरे साथ में दादाजी। हाँ वो पता चला। हरिश्चंद जी आप महाराष्ट्र के हैं क्या? महाराष्ट्र सोलापुर महाराष्ट्र। वाह लगा आपकी आवाज से हमने है ना तो हम वहाँ बॉम्बे में काफी रहे तो ऐसा है समझ में आता है तो अच्छा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हरिश्चंद जी हर जगह पे केंद्र भी बना सके हम लोग क्योंकि इसको व्यापक दृष्टिकोण से आज जितनी बीमारियां हो रही है ना वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना और उसको शिक्षा की सही शिक्षा तो मिल नहीं रही है और बचपन से बच्चों को ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि हमको ये टीचर्स भी उसी तरह की जिंदगी जीते हैं तो बच्चों को भी बहुत प्रेशर रहता है और लॉकडाउन में खास करके और दिक्कत हो गई। अब तो स्कूल खुलेगा खुल रहा भी है तो बच्चे का खेलकूद भी बंद हो गया तो ये प्रकृति के साथ जीने का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा करने की आवश्यकता है जगह जगह पे तो वो हम लोग केंद्र बनाने में लगे हुए हैं तो अभी दिल्ली के आसपास के कुछ केंद्र को हम लोग बना रहे हैं लोकेश जी के साथ तब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप जहाँ भी हैं हम लोग जोड़ेंगे। महाराष्ट्र में हम जो हमारा जो एक जमीन एक जगह पे हम करेंगे वो हमारा पेण मालूम है आपको रायगढ़ जिला में पेण तो पेण में हमने एक जगह लिया हुआ है हाँ वहां पर हम बनाएंगे उसको केंद्र को। अभी थोड़ा सा आर्थिक रूप से सब जगह पे एक साथ नहीं कर सकते तो जहाँ सहयोग मिलता है वहाँ कर पाते हैं। हाँ जी बराबर। तो अभी जगह तो है अपने पास कई जगहों पे लोग जगह दिए हुए हैं तो सब कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे केंद्र हैं ऑलरेडी जो हमारे आचार्य लोग हैं जहाँ स्कूल चलती है हमारी गुरुकुल पद्धति पे तो वहां पर भी हम लोग सोच रहे हैं। चिकित्सा वाला कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा अभी इफेक्टिव कम है क्योंकि हम लोग साधना जगत पे ज्यादा आगे बढ़ रहे आध्यात्मिक जगत में ध्यान साधना करना योग आसन खुद करना तो हमारे साधक जो होते हैं वो बीमार नहीं होते। सबसे बड़ा चीज है जो अभी आपको लोकेश जी बता रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और साथ साथ अब योग करते हैं और सात्विक आहार लेते हैं और नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के बाद दूसरे दिन आप लघु संघ प्रक्षालन से पेट साफ करते हैं तो आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे समझे ना तो फिर ये तो सवाल ही नहीं है। चार साल से जुड़ रहे हैं लोकेश जी के साथ हम 3-4 साल से जुड़े हैं और हमारा छोटा सा सेंटर भी है चिकित्सा करता हूँ मैं। बहुत अच्छा तो थोड़ा साधना में आप प्रवेश कीजिए हमारी जो गुरुदेव की जो साधना है श्री श्यानंद मूर्ति जी की। आप सोलापुर में है ना? हाँ सोलापुर। तो लोकेश दादा आप इनको सोलापुर के किसी आचार्य दादा का कांटेक्ट दीजिएगा। हरिचंद जी भी वैसे आध्यात्मिक किसी परिवेश से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में है वैसे और हम लोग भी साथ में हैं तो एक दूसरे की जो ज्ञान को हमें आदान प्रदान करना ही है वो मतलब सिर्फ इतना ही कहना है लोकेश जी हरिश्चंद जी को कि जो जो चक्र साधना जो हम लोग करते हैं ना चक्रास बेस वो थोड़ा सा आप 6 लेसन जब आनंद मार्ग की साधना का सीखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ चीज है जो कि और ऐड करना चाहिए आप जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं क्योंकि देखिए कोई भी गुरु एक ही होता है अलग अलग नाम से वो आते हैं लेकिन गुरु तो ब्रह्म ही है ना। हाँ सही है। तो किसी के भी माध्यम से जी जी हेलो जी किन्हीं और का किसी का कुछ प्रश्न है तो अपना प्रश्न रख दीजिए फिर सत्र को समापन करते हैं। जी किन्हीं और कोई भाई अपनी कुछ बात बहन भाई अपनी बात रखना चाहें तो कृपया अपनी बात रखिए अपनी राय रखिए
और इसमें क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आपकी भी अपनी कुछ राय हो, आपने भी कुछ अनुभव किया हो इसमें, वो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। अगली बार भी हम और चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो अब आप भी प्रश्न आप कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी लोकेश दा, ये दिल्ली में कहाँ बन रहा है ये सेंटर हम लोग का? ये आपको अंतरंग दादाजी बताएंगे वैसे इसके बारे में कि दिल्ली में कहाँ पर अभी काम हो रहा है। अंतरंग दादाजी? नहीं, दिल्ली में फरीदाबाद। आवाज नहीं आ रही है दादाजी आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है दादाजी। हाँ, उनकी आवाज थोड़ा सा नेटवर्क का मुझे लगता है इश्यू हो रहा है उनकी तरफ से। तो फरीदाबाद का मुझे लगता है वो बोल रहे थे शायद। हाँ, फरीदाबाद बोले, फिर फरीदाबाद में अब कहाँ पता नहीं। वो आप पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा उनसे, अंतरंग दादा से, वो आपको मिल जाएगी डिटेल, है ना। अंतम दादा दिल्ली में है अभी ना? दिल्ली में है, नहीं अभी तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में है शायद वो कहीं पर। एक्चुअली क्या है दादाजी, हम हर 3 महीने में जाते रहते हैं और दिल्ली प्राय बहुत दिन हम दिल्ली में रहे, जो कि गदेपुर अपना आश्रम है, हम आश्रम में प्राय करके जाते रहते थे। तो इसीलिए पूछे। वो आप अंतरिम दादा से बात कर लीजिए, व्यक्तिगत बात कर लेंगे। आपके पास नंबर होगा ना उनका? नंबर तो नहीं है दादाजी, तो एक मिनट में नंबर शेयर करता हूँ। तो ये शेयर जो करते हैं दादाजी, तो कैसे हमको नंबर दिखेगा? चैट में, चैट में डालकर। अच्छा अच्छा चैट में, ठीक है ना, मैं नंबर शेयर करता हूँ एक मिनट। मेरी नेटवर्क थोड़ी वीक है, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज तो आ रही है दादाजी। हेलो, आवाज आ रही है दादाजी? हाँ, मेरी नेटवर्क चली गई थी, मैं माफी चाहूंगा। तो दिल्ली में एक अपना अपना कोई जगह नहीं है। जी जी, मैंने नंबर शेयर कर दिया है देवेन जी, मेरे नंबर शेयर कर दिया अंतरंग दादा का, है ना। हाँ देख लिया मैं दादाजी। हाँ जी, हाँ। तो कोई प्रश्न है तो हृदय रोग से संबंधित या चिकित्सा से संबंधित तो प्रश्न रख दीजिए, फिर हम सत्र का समापन करते हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई अपनी राय रखना चाहे तो अपनी राय भी रख सकते हैं। कुछ अगर अपना अनुभव रखना चाहते हैं कोई व्यक्ति, तो अंतिम समय में अपना कुछ अनुभव भी साझा कर दीजिए, जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि इस अवस्था में क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हमेशा कुछ ना कुछ आयुर्वेद के संपर्क में रहे हैं, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव रहता है कि कुछ आकस्मिक अवस्था में किसी ने कुछ अनुभव किया हो, तो वो अपना कुछ अनुभव भी रख सकते हैं। जी जी एक्चुअली मेरा फिर आया है, मैं
बता रहा था दिल्ली में दो जगह पे हम प्रयास कर रहे हैं किसी और लोगों के साथ, एक फरीदाबाद में एक वेलनेस सेंटर है लाइफ स्पा वेलनेस, जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ, जहाँ नेटवर्क थोड़ी वीक है, ये फरीदाबाद के गांव में है आपका, ये बल्लभगढ़ के एरिया में अटाली मोटुका बोलते हैं इसको एक्सप्रेस वे, तो जो लोग अपना नंबर शेयर कर देंगे तो मैं यहाँ का लोकेशन शेयर कर दूंगा, नहीं तो लाइफ स्पा वेलनेस आप करेंगे तो मिल जाएगा, लाइफ स्पा एक शब्द है, तो ये एक है। दूसरा हम लोग ग्रेटर नोएडा में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग भरतपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर इंटीग्रेटिव थेरेपी, जिसमें एलोपैथी की भी नॉलेज थोड़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जो मिले, जो एलोपैथी की क्या साइड इफेक्ट होती है, जो कौन दवा लेना नहीं लेना, कब ले रहा कैसे लेना, वो भी बताया जाएगा। जी और कुछ? ठीक है अंतरंग दादा, तो सत्र का समापन के हाँ, ये देवेंद्र दादा पूछ रहे थे, देवेंद्र दादा। हाँ देवेंद्र जी, आपको तो उत्तर मिल गया होगा। देवेंद्र जी आपके संपर्क में है ना, यहाँ जितने लोग हैं सभी आपके संपर्क में है ना लोकेश दादा? हाँ हाँ हम संपर्क में हैं दादा जी। ठीक है दादा, आप एक बार एक ग्रुप में सबको ऐड कर दीजिएगा लोकेश दादा। नहीं वैसे कुछ लोग हैं जैसे कि नए जुड़े हैं मेरे ख्याल से, तो वो अपना नंबर भी शेयर कर देंगे सब, तो अच्छा रहेगा एक बार। मैं भी मैंने नंबर... अभी एक मैंने जो शेयर किया था ना लिंक, हाँ है ना, वो लिंक सबको मिल गया क्या? हाँ लिंक मिल गया, उसमें जुड़ जाइए आप सब लोग उस ग्रुप में। ये लिंक दोबारा मैंने डाल दिया। हाँ इस लिंक से आप लोग ग्रुप में आ जाइए। और ये कुछ और ठीक है, तो हम लोग फिर आगे ये लिंक नहीं है, ये लिंक नहीं, अगली बार मिलते हैं और अगली बार चर्चा करते हैं। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, ये लिंक नहीं है, मैं लिंक दोबारा डाल रहा हूँ। लिंक है क्या, सबको मिला हुआ? ये दूसरा लिंक है जो आपने डाला है जूम का, नहीं, है। वो गलती से व्हाट्सएप का लिंक चला गया था। हाँ ये डाला मैंने व्हाट्सएप का, हाँ, वो जूम का लिंक चला गया था गलती से। ये इस लिंक से ज्वाइन करके और आप लोग आ जाइए होलिस्टिक योग आयुर का नाम है ग्रुप का। ठीक है, सबका स्वागत है, फिर समाप्त किया जाए। नमस्कार। नमस्कार दादा जी। जी जी नमस्कार जी दादा, नमस्कार। सभी भाइयों से अनुरोध है, बहन भाइयों से, कि वो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे और एक आध्यात्मिकता के साथ में हम स्ट्रॉन्ग होकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाली समस्याओं के खिलाफ हम एक होकर साथ में रहें, और हम एक होकर साथ में रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, आने वाली हैं, उनका उनके लिए एक साथ बढ़ सकते हैं। संघ छद्म का भाव नहीं रखेंगे हम तो हमारे साथ बहुत समस्या होगी, इसलिए हमें संघ छद्म का भाव रखते हुए एक साथ रहना है, बिल्कुल जुड़ के रहना है और एकदम जो कमियां हैं जिस वजह से मतभेद होता है, एकता में कमी होती है, उसको भी जानना है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वो बोल दिया या कुछ हो गया, मतभेद हो गए तो उनको दूर करना है, और एक आध्यात्मिक एकता के लिए हमें आगे रहना है और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के लिए एक होकर हमें प्रयास करना है। धन्यवाद सभी भाइयों को, हार्दिक अभिनंदन है कि वह ग्रुप में शामिल हूँ और एक साथ में होकर हम काम करें। धन्यवाद। सबको नमस्कार।